केंद्रीय कांगड़ा बैंक की देनदारियां न चुकाने के एवज में हमीरपुर के एक निजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज को सील किए जाने का खामियाजा अब सैकड़ों छात्र छात्राएं भुगत रही हैं। करीब दो माह पहले केसीसी बैंक द्वारा करोड़ों रुपए का कर्ज न चुकाने पर कार्रवाई की गई थी और कॉलेज परिसर को सील कर दिया था, जिस कारण अब करीब 250 छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। कॉलेज छात्रों ने उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति से मिलकर समस्या को हल करने की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि दो माह से कॉलेज में ताला लगाया गया है और कक्षाएं एक ही कमरे में चार सेमेस्टर की लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कक्षाएं नहीं लगाई गई तो छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। छात्रों का कहना है कि कॉलेज के एमडी ने करोड़ों का लोन बैंक से लिया हुआ है और इस कारण बैंक ने कॉलेज को सील कर दिया है, जिस कारण अब कक्षाएं भी नहीं लग रही हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के बिना पढ़ाई भी नहीं हो रही है। मेरा नाम बबीता है और मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, मेरा फोर्थ सेमेस्टर है। हमारे एमडी सर ने बैंक से बहुत सारा लोन लिया है और वो वापस नहीं कर रहे, और फिर अब हमारी क्लासेस भी नहीं हो रही है और हमारे टीचर्स भी चले गए छोड़ के, तो हमारी स्टडी भी नहीं हो रही है और हमारे एग्जाम भी नहीं होंगे शायद से। कॉलेज मतलब ओपन हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब हमारी क्लासेस होंगी तभी हम लोग पढ़ पाएंगे, अगर हमारी स्टडी नहीं होगी तो हम लोग एग्जाम भी कहाँ से देंगे। कॉलेज में कम से कम 300 बच्चा तो होगा ही होगा। कॉलेज नहीं खुलता है तो स्ट्राइक ही बचती है, शायद स्ट्राइक ही करेंगे सभी सारे लोग। दिव्यांश पटियाला है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, मेरा फोर्थ सेम चला हुआ है। जैसे कि मतलब हमारा कॉलेज 9 फरवरी से बंद हुआ है, मतलब केसीसी बैंक का लोन है हमारे एमडी सर के ऊपर, तो एमडी सर ने मतलब हमें ये बता के हमें छुट्टियां दी कि तुम्हें मतलब क्या बोलते शिवरात्रि की छुट्टियां पड़ रही हैं, ना कि हमें ये बता के बोला कि तुम्हारा कॉलेज बंद हो रहा है कुछ दिनों के लिए। तो हमें सीधा कॉलेज में हम गए जैसे 9 तारीख को, तो हमें पता लगा कि मतलब हमें छुट्टियां पड़ गई हैं शिवरात्रि की, तो मतलब सर ने बोला कि 15 तारीख को तुम्हारा कॉलेज लगेगा। हम 15 तारीख को आए तो हमें पता लगा कि हमारा कॉलेज सील हो गया, केसीसी बैंक कॉलोनी सील किया हुआ कॉलेज है। तो बच्चों को मतलब बच्चों को गुमराह कर रहे हैं एक तरह से कि हाँ इनकी क्लासें तो लग रही हैं, बोलेंगे तो कुछ नहीं, पेपर ऊपर पता नहीं होने की नहीं होने, पेपर भरने की डेट हमारी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक होती है ना, ये अभी तक हमारे पेपर नहीं भरे गए, कई कॉलेजों में पेपर भर दिए गए हैं। तो अब हमारे पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं, तो हम डीसी ऑफिस में गए थे, डीसी ऑफिस से हमने उनसे अपील करी कि हाँ हमें मतलब हमारा फ्यूचर खराब हो रहा, तो हमें बताओ, हमने उनके पास अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है, देखते हैं अब डीसी से हमें क्या मिलता है। अगर डीसी ऑफिस से हमें कोई एक्शन नहीं मिलता तो फिर हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर देखते हैं करेंगे कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर सीएम के पास जाएंगे सीधे ही। मेरा नाम वर्षा है और मैं सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेम में हूँ, दिवसा पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर से। मैम मेरा कॉलेज बंद है, 2 मंथ हो गए हैं और हमें बोला जा रहा है कि खुल जाएगा पर खुल नहीं रहा है, और डेट पे डेट दिए जा रहे हैं कि कल खुल जाएगा कल खुल जाएगा पर खोल नहीं रहे, और एमडी सर लिख के दिया, उन्होंने रिटर्न में दिया है पर फिर भी वो खोल नहीं रहे कॉलेज को, और अब सुनने में आया है कि शायद कॉलेज बंद हो गया है और अब नहीं खुलेगा, और फिर जैसे बाकी है बच्चे फोर्थ सेम के लास्ट सेम के हैं तो उनको पेपर की प्रॉब्लम हो रही है कि उनके पेपर कहाँ पे होंगे, और ऐसा भी सुनने में आया है कि शायद हमारे पेपर ही ना हो, एग्ज़ाम ही ना दे पाए हम। लास्ट ऑप्शन तो स्ट्राइक करना बचती है, डीसी ऑफिस तो जाए हैं, बाकी अदर ऑफिस में भी दिए हमने एप्लीकेशन, तो बाकी बचता है कि हम गांधी चौक में आके स्ट्राइक करते हैं और कुछ नहीं। उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज का ये मामला है और सुंदर नगर डायरेक्टर से बात करके समस्या को हल करवाने के प्रयास किया जाएगा ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। ये अब जो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन है सुंदर नगर, उनके साथ ये टेकअप किया जाएगा। एक देवस्या आईटीआई है जो पिछले गत 2-3 महीनों से बंद है क्योंकि उनका कुछ लोन का इशू था, वो पे नहीं कर पाए इसलिए सील हो रखा है, बट इसमें 150 बच्चों के भविष्य के बारे में ये है, तो इसमें डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन से बात करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गौरतलब है कि शहर के बिल्कुल समीप ही स्थित इस निजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज को सील किए जाने पर सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में ही हो रहा है, क्योंकि 2 महीने बाद वार्षिक परीक्षाएं सिर पर हैं, लेकिन कॉलेज में ना तो पूरा स्टाफ है और ना ही बैठने के लिए जगह होने से पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है, जिस कारण अब छात्रों ने परेशान होकर डीसी से मिलकर समस्या का हल करने की गुहार लगाई है।